देखिए दोस्तों, जेटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है आ रही है दोस्तों। जी हाँ, देखिए तैयारी में जो है अभी सरकार लग गई है। जेटेट की जो है पात्रता तमाम उम्र होने वाली है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जेटेट अभ्यर्थियों के लिए। पूरा न्यूज़ जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही जो है नया टेट लेने की तैयारी में जुटी है देखिए शिक्षा विभाग। बहुत ही जल्द जो है आप लोगों का नया टेट होने वाला है दोस्तों। फिर से जो है जेटेट आप लोगों का एग्जाम होगा। तो चलिए दोस्तों, पूरा न्यूज़ में आप लोग बने रहें। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। देखिए पूरा न्यूज़ यह क्या है कि दोस्तों की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट अभ्यर्थियों के लिए जो है अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता जो है तमाम उम्र रहेगी। जी हाँ, इसके लिए देखिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर जो है कार्मिक विभाग को भेजा है और कार्मिक विभाग की सहमति के बाद जो है कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा दोस्तों। यह जो न्यूज़ है आज का न्यूज़ है दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ है। राज्य में अभी करीब 1.01 लाख टेट पास जो है अभ्यर्थी जिनके पास सर्टिफिकेट की मान्यता तमाम उम्र रहने वाली है, इसमें 2000 टेट क्वालिफाई के बाद बचे 48000 अभ्यर्थी, जबकि 16000 टेट 2016 में जो है 53000 अभ्यर्थी हैं। केंद्र सरकार ने इसी महीने में जो है टेट सर्टिफिकेट की तमाम उम्र की जो है वैधता अधिसूचना जारी की है और 2011 से टेट पास लोगों के जो है सर्टिफिकेट की मान्यता तमाम उम्र रहनी है। देखिए अच्छी खबर है दोस्तों आप लोगों के लिए। और अभी तक जो है आप मात्र 2 बार टेट हुई है, लेकिन दोस्तों नया टेट लेने की जो है शिक्षा विभाग जुट गई है सरकार। देखिए स्कूली शिक्षा विभाग नया टेट लेने की तैयारी में है। 2019 से ही टेट आयोजन की चल रही है। इसके लिए जो है नई नियमावली बनाई गई है और 2020 में इसके लिए जो है जैक का प्रस्ताव भी भेजा गया। इस नियमावली में कई खामियां थी जिसके उजागर होने के बाद जो है विभाग ने इसमें संशोधन किया है। इसके तहत विभिन्न विषयों के अंक के बदलाव किया जा रहा है और 2019 में बनी टेट की नियमावली में कई विषयों के अंक में जो है समानता नहीं थी। संशोधित नियमावली के कैबिनेट मंजूरी के बाद जो है टेट के लिए नए सिरे से जैक को प्रस्ताव भेज दिया गया है। और दोस्तों साथ ही हम आपको बताते चलें कि देखिए झारखंड में जो है अभी 39408 पदों पर जो है खाली है शिक्षकों की पद। कब देखिए नियुक्ति होगी? झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार जो है शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। राज्य में फिलहाल 39408 पद रिक्त हैं। नई नियुक्ति नियमावली से होने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राइमरी स्कूल के 17835, मिडिल स्कूल के 4893, हाई स्कूल के 13616 और प्लस टू स्कूल के 3064 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। तो ये था दोस्तों पूरा न्यूज आप लोगों की टेट जेटेट अभ्यर्थी। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।